सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी के लिए नर्स बी के अंदर लार्जेस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसके अंदर मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों ही एलिजिबल हैं। जिन्होंने यहाँ पर जो है GNM या BSc कर रखा है, तो उनके लिए फिर से एक बार 2024 की नर्सिंग की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। साथ ही यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर और यहाँ पर जो है लैब टेक्नीशियन की भी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है 2024 के अंदर। अभी तक की सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी की नोटिफिकेशन लगातार हर एक स्टेट से जारी की जा रही है। तो दोस्तों, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूँ। इसके बारे में टेलीग्राम पर हमारे चैनल स्टडी जोन पर आपको अपलोड कर दिया गया है उसकी नोटिफिकेशन, वहाँ से दोस्तों आप पूरे तरह से देख सकते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी कैटेगरी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूँ। तो बने रहिएगा दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन के साथ। तो सबसे पहले दोस्तों, यह जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसके बारे में आपको अपडेट करा दूँ। यहाँ पर देखते हैं कि यह जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है NRSC की तरफ से, यानी कि राष्ट्रीय सुंदर सेवा केंद्र की तरफ से आप सभी के लिए जारी किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर जो है नेशनल रिमोट सेंसिटिव सेंटर, और यहाँ पर जो है उनकी जो बेंगलुरु हैदराबाद की तरफ से यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि जो आप सभी के एडवर्टाइजिंग नंबर है NRSC RMT.1/2024, डेट ऑफ पब्लिकेशन देख सकते हैं कि 22/1/2024 को इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। इसमें रूप से यहां पर पूरे तरह से बताया गया है कि यह जो भर्ती है वो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आप सभी को रीजनेबल चीज काफी चीजों को यहां पर जो है बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा उसके बारे में मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, क्योंकि इसके अंदर हर एक जो एप्लीकेशन है वो काफी चीजों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, पर हमारी जो है नर्सिंग को लेकर, यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर और लैब टेक्नीशियन को लेकर जो अपडेट है वो मैं आप सभी को देने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है NRSC की तरफ से किया गया है, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सभी को यहाँ पर जो है भरनी है, और जो फॉर्म की डेट है वो भी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। तो कई सारी वैकेंसी है जिसमें कि हमारी जो नर्सिंग की वैकेंसी है उसके बारे में आपको अपडेट करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है सीरियल नंबर है, पोस्ट नेम है और कोड है, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट और जो आपकी एलिजिबिलिटी वो क्या है। आप सभी इस फॉर्म को भरते हैं तो आप सभी को अपने जो है पोस्ट कोड की जो संख्या है वो याद रखनी है। मेडिकल ऑफिसर के लिए भरेंगे तो पोस्ट कोड 17 है, नर्स बी के लिए भरेंगे तो पोस्ट कोड 18 है, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है लैब असिस्टेंट के लिए भरेंगे तो 19 पोस्ट, यहाँ पर जो है पोस्ट कोड 19 है। तो सबसे पहले मेडिकल ऑफिसर के लिए बात कर ले कि जिसके एक अंदर यहाँ पर एक पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें कि आप सभी की जो वैकेंसी की जो एलिजिबिलिटी कैटेगरी है वो MBBS रखी गई है 2 साल की एक्सपीरियंस के साथ, और साथ ही दोस्तों MBBS क्वालिफाइड होनी चाहिए, और साथ ही जो उनके रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर मेडिकल काउंसलर ऑफ इंडिया से यहाँ पर जो है प्रमाणित होनी चाहिए। अगर नर्स के उम्मीदवार भरते हैं, UR के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट निकाली गई है जिसमें कि उनकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है SSLC और SSC, यहाँ पर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा, यहाँ पर जो है 3 साल के ड्यूरेशन के साथ, जिसमें कि जनरल नर्सिंग और मिडवाइफर रिकॉग्नाइज होंगे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से, और जो उनकी यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टेट नर्सिंग काउंसलर से भी यहाँ पर होनी चाहिए इन चीज़ों को लेकर। शायद दोस्तों लैब असिस्टेंट एक ही अगर फरते हैं तो जिसके अंदर 3 पोस्ट निकाले गए हैं, UR के लिए 2 और EWS के लिए 2, जिसके ग्रेजुएशन जो है ग्रेजुएट है वो फर्स्ट क्लास से होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए लैबोरेटरी साइंस की, और लेबोरेटरी की इंफॉर्मेशन साइंस इक्विपमेंट रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, वो किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से हो, यहाँ पर वो कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर बताया गया है कि आउट ऑफ दी एबव यहाँ पर 1 पोस्ट यहाँ पर जो है इंक्लूडेड फॉर यहाँ पर जो है पर्सन ऑफ यहाँ पर जो पर्सन ऑफ डिस्पेंसिबिलिटी कैटेगरी ALB के अंदर यहाँ पर उन्हें भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा। कैसे दोस्तों, कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसके अंदर आप सभी के जो यहाँ पर पोस्ट है उनकी योग्यता क्या थी वो मैंने आपको बता दिया है, साथ ही यहाँ पर जो है नेचर ऑफ जॉब क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, कि यह जानना आप सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों को लेकर। जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि जो आपका पेपर जो संख्या है, यानी कि मेडिकल ऑफिसर का है, जो यहाँ पर क्या है इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है वो क्या है, कैसे आपको सारी चीज़ हैंडल करनी है, या साथ ही नर्स को लेकर यहाँ पर जो है सारी चीज़ अपडेट की गई है। सारे दोस्तों यहाँ पर जो है लेबोरेटरी के अंदर भी क्या करनी है वो यहाँ पर आप देखते हैं,
कि यहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर होगी। यहाँ पर जो है तेलंगाना में होगी, यहाँ पर बेंगलुरु, हैदराबाद, यहाँ पर साथी दोस्तों यहाँ पर जो है साउथ न्यू दिल्ली के अंदर, यहाँ पर कोलकाता, यहाँ पर जो है जोधपुर, यहाँ पर बेंगलुरु। साथी दोस्तों यहाँ पर जितने भी पोस्ट है वो यहाँ पर आप देखते हैं। इसे बताया गया है कि टू पोस्ट जो अगेंस्ट कोड है, जैसे कोड 7 और 11 विल बी स्पेस, यानी कि इलाहाबाद ही में आप सभी को यहाँ पर जो मिलेगी। इसके अंदर जो आप सभी के पे लेवल है वो क्या है वो मैं आप सभी को दोस्तों यहाँ पर बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो भी जानना आपका पूरा यहाँ पर अधिकार है कि किस लेवल पर आप सभी को क्या सैलरी मिलने वाली है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर जो है आपकी 18 से 35 साल के बीच रहने वाली है। मेडिकल ऑफिसर की, नर्सिंग की बात करें तो 18 से 35 साल। यहाँ पर जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर जो है 18 से 35 साल के बीच कैंडिडेट जो है इसके अंदर जो है अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब पे लेवल की बात करें तो दोस्तों मेडिकल ऑफिसर की यहाँ पर जो है लगभग 80,000 प्लस की पर मंथ उन्हें यहाँ पर दी जाएगी। साथ ही दोस्तों नर्सिंग की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि जो उनकी सैलरी है वो 65 प्रतिमाह दी जाएगी, और मूल्य वेतन और महंगाई जो भरता है वो डेली यहाँ बेसिक पे पर यहाँ पर उनके दी जाएगी। साथ ही यहाँ पर जो है आप सभी देखते हैं कि जो लेबोरेटरी की है उनकी भी यहाँ पर सेम है दोस्तों इन चीज़ों को लेकर। अब दोस्तों इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए हैं, कैसे हो रहे हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले तो दोस्तों यहाँ पर जो आप सभी की फ़ी है यानी कि नॉन रिफंडेबल फ़ी है 250 रुपया, जिसमें कि आप सभी को यहाँ पर बताया गया है कि 700 रुपीज़ 50,000 की जो प्रोसेस है वो रिफ़ंड कैंडिडेट इन द राइटिंग टेस्ट के बाद जो है उनकी जो फ़ी है वो रिफ़ंड कर दी जाएगी। इसके अंदर यहाँ पर जो आप UPI चलाने हैं, किसी भी माध्यम से जो चलाने हैं वो यहाँ पर कटा सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड क्या क्या करना है, किस किस दस्तावेजों को करना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी साइज KV क्या होनी चाहिए। ये सारे चीज़ है जो मैंने आपको बता दिए हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो आपका कॉस्ट जो पे जो है वो क्या है, जिसमें कि आप सभी यहाँ पर कहते हैं कि नर्सिंग के लिए आप सभी के लिए यानी कि मेडिकल ऑफिसर के लिए आप सभी के इंटरव्यू किए जाएंगे, और नर्सिंग बी के अंदर जो है यहाँ पर जो है रिटन टेस्ट और स्किल होंगे। लेबोरेटरी के लिए रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होंगे। सिलेक्शन ऑफ मोड क्या है वो इन्होंने यहाँ पर आप सभी को बता दिया है। इसके रिगार्डिंग कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं। हर अपडेट आप सभी को टाइम टू टाइम दोस्तों यहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग कोई और अपडेट चाहिए तो वो मैं आपको बता सकता हूँ, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अभी तक के लिए दोस्तों फिर से एक बार 2024 की नई वैकेंसी की अपडेट जो है आ चुकी है। साथ ही एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर है, इन जगहों पर आपकी एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।